अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज मैं आपके लिए चिकन धोने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आई हूँ। इस तरीके से बावर्ची या शेफ रेस्टोरेंट और शादियों में चिकन धोया करते हैं, और चिकन आधा किलो हो या एक क्विंटल, इसी तरह से आप इसे धोइए, चाहे ये कितनी भी क्वांटिटी में हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने चिकन लिया है, इसे मैं धोने का आपको तरीका बताती हूँ। तो इसमें से इस तरह के पीसेस लीजिए जिसमें के बीच में मवाद हो। देखिए, हड्डी और गोश्त के बीच में इस तरह से एक मवाद होता है जिसे हमें निकाल लेना है। ये मवाद निकालना बहुत ज़रूरी है, कहा जाता है कि इस मवाद से कुछ बीमारियां होती हैं। तो हमने इस तरह के पीसेस चिकन में से ढूंढ कर निकालने हैं, और इसमें देखिए एक पतली सी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन होता है, उसके नीचे ये मवाद होता है जो हम आसानी से या तो अपनी अंगूठी से निकाल लें या फिर किसी चम्मच से या फिर चाकू से निकाल लें, बहुत आसानी से निकल जाता है। अब देखिए, ये स्टमक है यानी कोठा है, अगर आप ये खाते हैं तो इसका ऊपर का मेम्ब्रेन निकाल दीजिए और इसकी जो ऊपर की चिकनाई और गंदगी वगैरह जो है वो सारी निकाल दीजिए। और ये जो लेग पीस है इस पर की ये पतली सी झिल्ली होती है वो भी आप इसे निकाल दीजिए, जो जितनी भी आसानी से निकल जाती है यानी निकल सकती है जितनी भी आसानी से, उतनी आसानी से झिल्ली निकाल दीजिए। और ये लीवर है यानी कलेजी है, कलेजी के ऊपर का मेम्ब्रेन यानी झिल्ली निकालिए, इसके अंदर जो ब्लड वेसल है वो भी निकाल दीजिए। और अगर आप चिकनाई नहीं खाना चाहते तो ये चिकनाई भी निकाल दीजिए। और देखिए, ये चिकन कट करते वक्त कुछ बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं उन्हें भी आप निकाल दीजिए, वरना ये खाते वक्त मुँह में आती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो और यहाँ पर देखिए, ये जो ग्लैंड्स हैं छोटे छोटे वो भी हमें निकालने हैं। देखिए, इस तरह के जो छोटे ग्लैंड्स होते हैं और जो खून जमा हुआ होता है वो भी निकाल दीजिए। कभी कभार होता क्या है कि हम चिकन धोने के बाद भी चिकन में से थोड़ा सा ब्लड यानी खून रिसता रहता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, और अक्सर यह होता कहाँ है, लेग पीस में। देखिए, लेग पीस के ये निचले हिस्से से कभी खून निकलता है, तो हम इसे यहाँ पर का जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल को ही कट करके निकाल देंगे, तो उससे धोने के बाद भी खून नहीं निकलेगा। इसे कट कीजिए और निकाल दीजिए। इसी तरह से ये जो लेग पीस है इसके सामने वाले हिस्से में भी कभी कभार ब्लड निकलता रहता है धोने के बाद भी, तो हम ये सामने वाला हिस्सा देखेंगे, इसके अंदर का जो ब्लड वेसल है यानी खून की जो नाली है उसे ही हम कट करके निकाल देंगे। देखिए, ब्लड वेसल को कट कीजिए और कट करने के बाद पानी के प्रेशर के नीचे रखकर इसे धो लीजिए, तो खून यानी ब्लड बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। अब सारे चिकन को एक खुले से बर्तन में आप अच्छी तरह से धो लीजिए, इसे कम से कम तीन पानी से धो लीजिए।
ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने चिकन में से निकाली है, ये हमें फेंक देना है, ये वेस्ट है। देखिए हमने चिकन को तीन पानी से धो लिया है, यानी तीन बार हमने धो लिया है। एक बार धोया, उसका पानी फेंक दिया, दूसरी बार धोकर पानी फेंक दिया और तीसरी बार भी धोकर पानी फेंक दिया। ये विनेगर है, ये कुकिंग विनेगर है जो हम पाव कप ले रहे हैं, यानी 1/4 कप विनेगर हम लेंगे। इसे हम चिकन पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसे लगाने की वजह से इसमें जो चिकन की स्मेल होती है वो नहीं आएगी और चिकन अच्छी तरह से धोया जाएगा। अब चिकन में पानी डाल दीजिए, यानी हमने चिकन पर विनेगर लगाया, उसके बाद हम चिकन में पानी डाल देंगे। यानी इसे इतना पानी डालना है कि चिकन अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, यानी पानी में डूब जाए, और इसे हम इसी पानी में, यानी विनेगर वाले पानी में 10 मिनट रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए ऊपर एक लेयर जम गई है, उस लेयर को यानी पानी को ही हम फेंक देंगे 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद हमने इस पानी को फेंक दिया और यह हमारा चिकन अब बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया है। शादी खानों में बावर्ची और होटल्स यानी रेस्टोरेंट्स में शेफ़ वगैरह इसी तरह से धोते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल साफ धोया गया है, आप इसी तरह से धोइए। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।